वेलकम टू आमिक रेजर का, मेरा नाम है अमृता। तो दोस्तों आज के स्टूडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चेहरे को बेदाग गोरा खूबसूरत बनाने का बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। यदि चेहरे पे जगह जगह मुहासों के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के निशान हैं, तो वो सारी परेशानियां दूर होंगी, साथ ही साथ चेहरे पे बहुत ही बढ़िया गजब का निखार आएगा और रूखी और बेजान त्वचा में भी चमक आ जाएगी। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपका चेहरा बिल्कुल बेदाग खूबसूरत बन जाएगा। इस रेमेडी को गर्ल्स बॉयज दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा दिखे। इस रेमेडी में हम कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही हम इसे बनाने वाले हैं। और इसके आगे तो दोस्तों महंगी से महंगी क्रीम भी फेल है। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल कितना ज्यादा फायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं और ये हमारे सभी के घर में अवेलेबल हर वक्त होता ही है। और पुराने समय से ही, हमारी दादी नानी के समय से ही आपने देखा होगा कि नारियल का तेल भी लोग भरपूर इस्तेमाल करते थे। चाहे हमारे बालों के लिए हो, चाहे त्वचा के लिए हो, नारियल का तेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। नारियल के तेल से हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, ग्लोइंग होती है, दाग धब्बे हमारे चेहरे से कोसों दूर चले जाते हैं और हमारी स्किन बेदाग खूबसूरत नजर आती है। नारियल तेल हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करता है, झाइयों को दूर करता है और उम्र की वजह से जो हमारे चेहरे पे ढीला बनाता है उसमें भी कसाव लाने का काम करता है नारियल का तेल। तो इस रेमेडी के लिए ज्यादा नहीं बल्कि केवल एक छोटी चम्मच नारियल का तेल हमें लगने वाला है। आप चाहे तो इस रेमेडी को पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर लगाएं, हाथ पैर पर लगाएं, पूरे शरीर पर इस रेमेडी को लगाएं, ताकि आपकी ओवरऑल स्किन ब्राइट बनी रहे, लाइट बनी रहे, स्किन टोन इवन हो जाए और साथ ही इससे स्किन में कसाव भी आएगा। यदि कुछ दिन आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही आप अपनी स्किन का, त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन नेचुरली शाइन करने लगेगी। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट और नरिश करने का काम भी करता है। ये बहुत सी परेशानियों को दूर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को भी ये जड़ से खत्म कर देगा। तो इस रेमेडी में, नारियल के तेल में हम दो ऐसी चीज मिलाने वाले हैं जिससे कि आप इसके रिजल्ट से हैरान हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके शरीर का रंग इतना गोरा कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आप चाहे तो इस रेमेडी को केवल चेहरे पे लगाए, आप चाहे तो पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। आपके चेहरे की त्वचा में निखार आएगा, गोरापन आएगा, नेचुरली आपका चेहरा शाइन करने लगेगा और साथ ही साथ चेहरे पर जो निशान पड़ जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। जो दूसरी चीज हमें इस रेमेडी में लगने वाली है वो है नींबू का रस। लेमन हमारे स्किन को खूबसूरत बनाता है, हमारे स्किन पर नेचुरल ब्लीच का काम करता है नींबू का रस, क्योंकि नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये हमारे स्किन के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये हमारे स्किन टोन को लाइट करता है, हमारे चेहरे पर गजब का निखार लाता है। एजिंग के जो फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, जो समय से पहले ही हमारे चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है नींबू का रस। तो नींबू का रस हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता ही है, साथ ही साथ जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती है उससे भी हमें बचाता है। ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है। आपको मार्केट से किसी ब्लीच को खरीदने की जरूरत नहीं है लेमन जूस के आगे। केवल आधा छोटा चम्मच आपको लेमन जूस यहाँ पे लेना है, दोनों को ही खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, चेहरे की जो फाइन लाइंस रिंकल्स है वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप अपने चेहरे का निखार बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक तरीके से पाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करें। आपको ये रेमेडी इतनी ज्यादा अच्छी लगेगी कि आप कहेंगे भाई वाह क्या रेमेडी है, हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो एक चम्मच नारियल के तेल में आधा छोटा चम्मच नींबू का रस हमने मिलाया, खूब अच्छी तरीके से दोनों ही चीजों को मिक्स कर लिया है। वैसे तो इस रेमेडी को आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं जब आपको समय मिले, लेकिन अगर आप इसे रात में लगाते हैं तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो इस रेमेडी को दिन में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि बाहर धूप बहुत लगती है, पसीना बहुत चलता है और फिर धूल मिट्टी भी हमारे चेहरे पे लग जाती है। तो इसलिए कोशिश करें सब काम होने के बाद रात में आप इसे लगाएं। जो अगली चीज जो हम इसमें मिलाने वाले हैं दोस्तों वो है एलोवेरा जेल।
तो एलोवेरा जेल के बारे में हम सबको पता ही है कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन की नमी को बनाए रखता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी एजिंग गुण होते हैं, इसीलिए एलोवेरा जेल लगाने से हमारे चेहरे पर उम्र का प्रभाव ही पता नहीं चलता और साथ ही हमारे त्वचा पर जो उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती है उसे भी रोकने का काम करता है। और एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर मुहासे होने नहीं पाते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है, साथ ही बढ़ती उम्र को रोकने में बहुत ही मददगार साबित होता है ये एलोवेरा जेल। चेहरे पर के झाइयाँ, दाग धब्बे सारे ही दूर करने का काम करता है एलोवेरा जेल। तो ये जो एलोवेरा जेल है मैंने मार्केट वाला लिया है, आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों से भी इसका जेल निकाल करके इसमें आप डाल सकते हैं। तो नारियल तेल में एक चम्मच नारियल के तेल में हमने मिलाया है आधी छोटी चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच एलोवेरा जेल, और इन सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ये जो रेमेडी है दोस्तों इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपके स्किन को ये नरिश करेगी, हाइड्रेटेड रखेगी और नेचुरली आपके स्किन पे इसे ग्लो आएगा। ढीली जो पड़ गई त्वचा होती है ना दोस्तों, उसमें भी कसाव लाने का काम करती है ये रेमेडी, और साथ ही जो त्वचा में टैनिंग होती है वो टैनिंग भी दूर हो जाएगी। तो त्वचा के साथ साथ, स्किन के साथ साथ आप इसे पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं, आपकी त्वचा बिल्कुल गोरी, खूबसूरत, सुंदर सी दिखने लगेगी। तो बस ये जो होम रेमेडी हमने बनाई है दोस्तों, उसे आप अब अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं। आप जब भी फ्री होते हैं तब इसे लगाएं, आप चाहें तो शाम में टीवी देखते देखते भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। तो बढ़िया अच्छी तरीके से चेहरे पर लगाने के बाद खूब अच्छी तरीके से यानी कि 2 से 3 मिनट तक कम से कम मालिश ज़रूर करें। जो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से छू मंतर हो जाएगी, और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उस तरीके से आप भी मसाज करें, और जब भी आप मसाज करें ऊपर की तरफ ही करें। मसाज करने से जो नारियल तेल, एलोवेरा जेल हमने डाला है, लेमन जूस हमने डाला है, वो स्किन के अंदर तक के जाएगा, और जब स्किन के अंदर तक के जाएगा तो ये इमीडिएटली इफेक्ट करना शुरू कर देगा। इस रेमेडी से हमारे चेहरे की फाइन लाइंस, रिंकल सारे दूर हो जाएंगे, मुहासे हैं, मुहासों के दाग धब्बे हैं वो सारे ही ख़त्म हो जाएंगे। इसे अपने चेहरे पर लगा करके 2 से 3 मिनट मसाज करें, प्रेशर पॉइंट्स को ज़रूर दबाएं, और मसाज करें तो सर्कुलर डायरेक्शन में करें और अपर डायरेक्शन में करें। किसी किसी को डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिसकी वजह से चेहरा भी हमारा ख़राब लगने लगता है, डल लगने लगता है। आप इस रेमेडी को डार्क हिस्सों में भी लगा सकते हैं जैसे कि एल्बो में, कोहनी में, घुटने में। इसके बाद आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी ले, जितना आप अपने फिंगर्स को इसमें डाल सकते हैं उतना गुनगुना पानी ले। एक छोटा सा टॉवल ले लिया मैंने और इसका एक्सेस पानी हम निकाल देंगे। अब ये टॉवल जो है हल्का गुनगुना हो चुका है, इस टॉवल को हम अपने चेहरे पर लगाने वाले हैं। यदि आप चाहें तो इस स्टेप को करें या फिर आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी चीज़ हमने अपने चेहरे पर लगाई है, नींबू का रस लगाया है, एलोवेरा जेल और जो नारियल तेल है, वो सारा अपने स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो इस भाप वाले टॉवल को कम से कम 1 मिनट अपने चेहरे पर ज़रूर रखें। तो बेस्ट रिज़ल्ट यदि आप चाहते हैं तो इस टॉवल वाले तरीके को आप ज़रूर करें। इस रेमेडी के नियमित इस्तेमाल से आपको खुद ही अंतर महसूस होने लगेगा दोस्तों। आप जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी स्किन निखरती जाएगी, ग्लो होती जाएगी और एक नेचुरल सी शाइन आएगी आपके चेहरे पर। इससे आपकी स्किन बेदाग, सुंदर, गोरी हो जाएगी, आपकी स्किन की सारी टैनिंग दूर हो जाएगी। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।